प्रोग्राम टाइमलाइन से गड असद मुमताज नाज़रीन वफाकी हुकूमत अपोजिशन खास कर पीपल्स पार्टी के टफ टाइम देने लाए सिंध हुकूमत की बेट गवर्नर से कारकर्दगी हवाले से पैंजी पार्टी अगवान के हिदायतू जारी क्यों तो उन हवाले से अवामी मुहिम शुरू कई वे वजीर आजम अज पार्टी के इजलास में पैं पार्टी मेंबरन के हिदायत जारी कई है तो पीपल्स पार्टी की इन वक्त की कारकर्दगी बेट गवर्नर के हवाले से मुहिम हलई वे अवाम के बुधा वे तो पीपल्स पार्टी के गुजरियल 12 सालों दौरान वफाकी हुकूमत का केतरा पैसा मिलया वे पैसा किथे यूटिलाइज थन पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के कड़न खातन में करप्शन जोर से है कड़ा मिनिस्टर जे नेब के हवाले से उन्होंने केसिस हली रहा है वह केसिस कड़ी नोत जहा तमाम तर मामलों से अवामी मुहिम हलई वे पैंजे पार्टी कारकुन के पार्टी अगवान के वजीर अजम खास हिदायत जारी कई है बी कड़ी हिदायतू जारी थी अड़ो के प्रोग्राम में इन असर प्रोग्राम में जॉइन किया है तरीके इंसाफ के एम एन ए जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा आफ्ताब साहब किस तरह की मुहिम चलाने जा रहे हैं आप सिंध हुकूमत के खिलाफ? देखिए पहली बात तो ये कि समझने की जरूरत है कि हम जंग करने नहीं जा रहे। जी बिल्कुल, हमने सिर्फ अपनी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर आदमी जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जाएगा जाने के बाद, क्योंकि लोग जब सवाल करते तो उन्हें भाई क्या सूरत हाल है, अब लोग इतने बाशऊर हो चुके हैं कि उन्हें पता है। देखिए हम तो अभी 2 साल हुए हमें आए हुए, लेकिन ये जो हालात है कराची के या सिंध वो कोई आज के 2 साल के पैदा करता तो नहीं है कि जिसके ऊपर हमने कोई कहे कि जी वफाक के साथ ताउन नहीं कर रहा। अगर वफाक ताउन कर रहा होता तो शायद हम इसको जो है जन्नत बेनजीर बना देते या इसको फ्रांस बना देते, जैसे कि कहा जाता था कि जी लियारी को हमने फ्रांस बनाना है, पेरिस बनाना है, लाड़काना को हमने पता नहीं क्या बनाना है। तो वो बहुत सब चीजें तो 2 साल के अंदर नहीं होती, या खराब नहीं होती या अच्छी नहीं होती, लेकिन ये है कि जाहिर बात है कि ये हालात इस हद तक पहुंचे हैं तो उसमें जो है हम बताएंगे अपने एलजी के लोगों को कि भाई देखिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो इस हद तक कर सकते हैं। इससे आगे क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अख्तियार जो है वो सूबे के पास है और सूबे का काम है कि वो ये सब चीजों को बेहतर करे और उसके बगैर उसके ताउन के सूबे के ताउन के कोई काम हो नहीं सकता। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, आप लोगों के प्रोग्रामों में और मुख्य जगह पे मुझे भी फॉरम मिला, मैंने उसमें कहा कि आए हम छोड़े आप वफाक को की लड़ाई को, हम कम से कम सिंध के अंदर तो मिलकर काम कर सकते हैं। हम सिंध के अंदर जो आप हम मिलकर काम करें, हम कुछ आपको निशानदेही करेंगे चीजों की जो हमारे हल्के के अंदर है, आप और हम मिलकर उसको बेहतर करते हैं। और तख्तियां भी आप अपने नाम की लगा ले, मुझे नहीं जरूरत मेरे नाम की तख्ती लगे, लेकिन तख्तियां भी आप अपने नाम की लगा लें, लेकिन कम से कम खुदारा काम तो करें। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करें बताएं। तो आफ्ताब साहब आप जब बात कर रहे हैं बेट गवर्नर्स की कारकर्दगी के हवाले से, तो सिंध हुकूमत का तो मौकिफ ही कुछ और है। वो तो कह रहे हैं कि हमने 12 साल में जो किया है वो अब तक किसी सूबे ने नहीं किया। हमने हेल्थ के हवाले से रिकॉर्ड काम किया है, हमने NICVD जैसा इदारा बनाया है, वो सिर्फ ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में काम कर रहा है, और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, और इलाज भी मुफ्त है, मयारी इलाज है। अच्छा आप यकीन करें, मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ आ जाएं जी मैं आपको ले चलूंगा, वो आपको खुद वहां के साफ बताएगा कि कितनी बड़ी करप्शन है। देखिए ये जो जितने भी आप इदारों की बात कर रहे हैं ये एनजीओ के साथ मिलकर हो रही है। अच्छा। ये एनजीओ है, ये लोग मुगैर हजरात हैं जो डोनेशन देते हैं, जिन्होंने वार्ड बनाए, जिन्होंने इन सारी चीजों को बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है उसके अंदर। गवर्नमेंट आप जिना का हाल देख ले जाकर, आप सिविल का हाल देख लें, आप अब्बासी का हाल देख लें, आप इस तरह के और भी आपको सत्थर में इधर उधर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहां वैक्सीनेशन ना हो, जहां पर मतलब आपके सामने सूरत हाल हो, तो वहां जहां एड्स फैल रही हो, तो वहां पर आप ये बातें करना। चंद हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो गंबट के हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक आदमी डॉक्टर भट्टी की जाती कोशिशों का नतीजा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जी अगर हम जो है इस जब लोग तैयार हैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए, तो आप उनकी उनका क्रेडिट भी तो उनको देना कि जो लोग आपके साथ कर रहे हैं काम। मैं तो उनको कहता हूँ भाई कि आए आप, अगर जिन्होंने जिना के अंदर वार्ड्स बनाए, जिन्होंने सिविल के अंदर वार्ड्स बनाए, जिन्होंने SIUT में कार्डियो के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी तो क्रेडिट दें। वो क्रेडिट उनका क्रेडिट आपने खाते में तो ना डालें। सही
सही। अच्छा भला आफ्ताब साहब, आप हमें बताएं कि सिंध हुकूमत के कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जहां आप समझते हैं कि बेड गवर्नेंस के मामला बहुत जोरों शोर से हैं, उन शोबों ने अब तक कोई काम ही ना किया हो। क्या आप मुझे आप मुझे मैं आपको एक बात करता हूँ। देखिए मैं तो ओपनली कह रहा हूँ ना, आप आए तो जी सही। आप जी हम क्या करते हैं कि मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ, आप जो है स्टूडियो में बैठे हुए। जी आए मैं आपको लेके, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे हल्के के अंदर स्कूलों की, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। अगर आप अच्छा सरकारी स्कूल कर ले तो उनको टमाटर आलू महंगे नहीं पड़ेंगे, वो जी सस्ते पड़ेंगे। वो बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं वो अपने बच्चों की खुराक के ऊपर लगाएंगे। सही लेकिन जो जिम्मेदारी 80-80 हज़ार रुपए तनख्वाह है यार सरकारी टीचर्स की, और जी उनको आप देखो तो कपड़े भी साफ नहीं होते। मैं जी आपको जो हकीकत, तो आप आए मेरे साथ, आप मुझे बताएं कि डिस्पेंसरियां किधर हैं, आप मुझे बताएं कि नागरिक के ऑफिस किधर हैं। ये देखिए ये बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें करने की है। कौन सा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आपकी बसेस चल रही है, कौन से आप मतलब आप मुझे बताए ना कि ये काम हो रहा है। हमारे पास एक बीच है, बीच के ऊपर 4 कुर्सियां तो नहीं लगा सके, वो तो आपकी आपकी अख्तियार है ना। आप मुझे बताए ना, लोगों के लिए तफरी का कोई मकाम है ना, कोई आपने ऐसे पार्क बनाए ना, आपने कोई खेलों के मैदान बनाए है ना, आपने कोई अस्पताल सही किए ना, आपने स्कूल सही किए ना। रोडों का हाल जो है वो रोडों का हाल तो 2 साल के अंदर हुआ है, और हुआ भी काफी शहर में हुआ, सूबे में हुआ है, तो वो क्यों हुआ है? मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि हम ब्लेम गेम निकले। हमें हम आए, आपको सिंध हुकूमत मिली है, आपको ये असल में जंग हो गई है। मैं आपको बताऊँ, रूरल जी और जी अर्बन की जंग है अच्छा ये। वहां से अंदरूने सिंध से जीत कर आते हैं, जिस तरह आते हैं वो भी सबको पता है कि थाने कचहरी की ताकत पर आते हैं, बड़े शाही की ताकत पर आते हैं है? और उसके बाद यहाँ आने के बाद हुकूमत, क्योंकि अक्सरियत में होते हैं हुकूमत कर लेते हैं। भाई सही तरह से सेंसस होना चाहिए, कराची की सीटें बढ़नी चाहिए, हैदराबाद की सीटें बढ़नी चाहिए, शहर की सीटें बढ़ेंगी तो खुद पता चल जाएगा सारी सूरत हाल का। इस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं लेके जाते है, मसाइल आपके अपनी जगह पर है। रोजगार के अंदर आपने कराची शहर को बिल्कुल पीछे रखा हुआ है, जाली डोमिसाइल के ऊपर कराची के शहरियों का हुकूक मारे जा रहे हैं, पुलिस के अंदर भर्ती नहीं होती। वहां पीपल्स पार्टी का हो, पैसे दे, सब कुछ हो जाता है। अच्छा आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि जो हम मैं आपको बता रहा हूं कि निशानदेही करें, आए मिल के काम करें, जो मामला जहां पे मिल के काम कर सकते हैं वहां पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल के काम करें, आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है। और हम मुझे आपकी नीयत पे कोई शक भी नहीं है, आप नोटेबल आदमी हैं और रिलेवेंट आदमी हैं, आपने अपने हलके में भी आप हमें नज़र आते हैं। लेकिन आपकी जो दूसरी क़यादत है, वो आपकी जो सूबाई क़यादत है, वो तो बार बार ये मुतालबा कर रही है कि अब मामला जो है वो गवर्नर राज लगाया जाए, गवर्नर राज ही सिंध के मामलों का हल होगा, और जब तक गवर्नर राज नहीं लगता ये मामला ऐसे के तैसे रहेंगे। देखिए इसकी वजह पता क्या है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखिए जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास आज वफाक को सबसे ज्यादा ब्लेम क्यों दिया जा रहा है महंगाई का, इसका इसलिए कि वफाक की हुकूमत पीटीआई की है, जी इसलिए पीटीआई को ब्लेम दिया जा रहा है ना। सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो उनको चाहिए कि वो समझे इस बात को कि वो इस तरफ ना लेके जाए कि लोग कहें कि गवर्नर राज की तरफ। मैं तो ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जमहूरी इदारों को हमें मजबूत करना चाहिए। अब मिलकर देखिए, बार बार ये कहता हूँ, मेरा बड़ा एक क्लियर मौकफ है, जी मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं कमजोर हूंगा तो दूसरा मेरी जगह लेगा, लेकिन अगर मैं कमजोर नहीं होऊंगा तो दूसरा मेरी जगह नहीं ले सकता। सही। आप अगर काम करेंगे, आप शहर को, आप सूबे को बेहतर बनाएंगे, तो 90% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची है, 65-70% वफाक को देता है, सिंध को देता है 90%, उस शहर को आप बेहतर नहीं बनाएंगे जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को पालता है, वहां के लोग आते हैं यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं। इसी तरह हैदराबाद है, इसी तरह सत्तर है, जो शहर है उनको आप समझे, तो आपका रूरल एरिया जो है वो मजबूत होगा। सही समझे ना, सही। तो आप लोगों को रोजगार बनाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रोड्स बेहतर करें, ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करें, जो आपकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करें। ठीक समझे ना, ठीक है, ठीक है की जिम्मेदारी जी, बिल्कुल साथ तो दे सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सेनेटर सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, कीअं त आवाम के ॿुधाईंदो आहे हिकु पीटीआई जो मौक़िफ़ु आहे त गुज़िरियल 12 सालनि में जेका बेड गवर्नेंस रही आहे, जेका लुटमार रही आहे सिहत जे हवाले सां, या तालीमी तालीम जे खाते में हिकु स्कूल बंदि आहिनि, कीअं अवां तव्हां माण्हुनि खे ॿुधाईंदो त तव्हां छा डिलीवर कयव? उन्हनि खे सवाइ हिन जे त भई असीं कंहिंखे चोर चऊं, लुटेरा चऊं, गरम गलोच करूं, हुन खां सवाइ त कुझु ईंदो ई कोन्हे। सो उन्हनि जी त असां आउं ॻाल्हि कोन कंदुसि। तव्हां ॿुधायो, तव्हां कहिड़नि कहिड़नि शोबनि में तव्हां कमु कयो आहे?
पीपल्स पार्टी हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में तमाम सुठो कम कियो है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त कम कियो है। पीपल्स पार्टी एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज जितरा इदारा कायम किया है ना। हाँ, हम यकीन असी कहें बद ना हेल्थ में सेटिस्फाइड आयूं, असा ना एजुकेशन में सेटिस्फाइड आयूं, उते बेहतरी की तमाम वड़ी गुंजाइश मौजूद है। पर तहां दिसंदो त ही जगह ही कठपुतली है ना, इनन के त सब पेज मिली ता वने। असा जे वक्त में तहां दिसंदो त कहें भी कम जे ला सिंध जे ट्रैफिक ते ब सो मोटो नोटिसिस निकता हुंदा। इन वक्त में भी कराची की जे करे पाण गाल कंदासी त कराची की ड्रेनेज सिस्टम ते कम हले तो उते जब मेन आर्टरीज जेके रोड आहिनि उहे ठीक थी चुका आहिनि, उन्हनि ते सुठो कम थी चुको आहे। जेके अंडर पासिस आहिनि उहे ठहिया आहिनि, NICVT कमाल जी ठही आहे। असांजे जेके मेन तालका हेडक्वार्टर्स ताईं रोड घटि में घटि वक़्त में सिंध जा बहितरीन रोड सही ठही चुका आहिनि। एग्रीकल्चर सेक्टर में बि काफ़ी कम थियो आहे। एनर्जी सेक्टर जी आउं ॻाल्हि करे चुको आहियां, विंड एनर्जी हुजे, सोलर एनर्जी हुजे, पंहिंजो जेका असांजे थरकोल जो जेको प्रोजेक्ट आहे, इहे असांजो शानदार कामयाबियूं आहिनि। उनजी भेट में जेकॾहिं PTI खे वेही चइजे त 3 सालनि में फ़ैसिलो कोन करे सघियमि त असांखे हिन इकोनॉमी खे अॻिते कीअं वठी अचणो वञिणो आहे, असीं हिन में सुधारा कीअं आणियूं। सो PTI वारनि सां त को मुक़ाबिलो असांजो आहे ई कोन को। पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल साइड ते बि ज़बरदस्त कया आहिनि। पीपल्स पार्टी पंहिंजी सॼी तारीख़ में जेके मेगा प्रोजेक्ट थिया आहिनि उन्हनि जो सभिनी जो क्रेडिट पीपल्स पार्टी तरफ़ां वञे थो। उन ताईं त ही पहुची कोन था सघनि। ही सिर्फ़ माननि तां महांगाई जो तूफ़ान ई हटाए वठनि ऐं ही रोज़ जूं जेको इमरान खान चवंदो हो न त महांगाई करे त टैक्सनि जो बार वधाए त को बि करे सघे थो, इहा भत्ताखोरी आहे। ही भत्ताखोरी जेका हिननि शुरू कई आहे, ही जेके चवंदा आहिनि महांगाई थी छो आहिनि, ही जेके हिननि जेके चोरियूं कयूं आहिनि, माफ़ियाऊं पालियूं आहिनि, ऐं चीनी चोरी में, गंदम जी समगलिंग में, दवाउनि जे स्कैंडल्स में हिननि अलाए केॾी वॾी तबाही मचाई आहे, जंहिंजो सॼो ॿार आम माण्हू जे मथां पियो आहे। सो आउं सम्झां थो त सिंधी कारकर्दगी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो सेंटर ज्ञानचंद साहब तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे सिंध की सिंध सूबे की जो कारकर्दगी है वो बाकी सूबों से बहुत शानदार है। वो तो जो शोबे उन्होंने गिनवाए हैं उसमें तो ऐसे लगता है जैसे रिकॉर्ड काम किया है इन्होंने। अच्छा आफ्ताब साहब से असो रबो मुनकत थी है। अच्छा सेंटर ज्ञानचंद साहब, अवाम तालीम के हवाले से एक गाल पो करें आफ्ताब जहांगीर साहब, तो इन वक्त तीन केतरा ही स्कूल बंद आन, स्कूल वाड़न में तब्दील थी चुका है, यह कारकर्दगी है सिंध हुकूमत जी? दिसो एकरा स्कूल उए है ना जेके अमृतम के दौर में थया, एकरे के गोठ में 10-10, 20-20 स्कूल थया, मानन के उताकन के ला स्कूल मिलया, जिन जी छिड़छाण थी है, अन्या बुर में छिड़छाण की जरूरत है, इनका कोई इनकार कोने को। हाँ तकरीबन सब बायोमेट्रिक ते टीचर्स थी चुका है, जेके घोस्ट टीचर्स हुआ उन्हें जो इशू सेटल थी चुको है। हाँ असाजे जेके स्टूडेंट्स हैं उन्हें जी रजिस्ट्रेशन थी चुकी है, तो हाँ इन किस्म की का शय थियण मुमकिन को। अच्छा एजुकेशन में यकीन अस बेहतरी तरफ वनूँ पा पर बेहतरी है। हाँ सिंध की तालीमी मयार जो है वो बलोचिस्तान तो फाटा का भी पोते रही वो है। सिंध पाकिस्तान जो वाहिद सूबो है जो पहरे नंबर से है, हेठा का अगर शुरू कजे गैर मयारी तालीम का अगर शुरू कजे तो पाकिस्तान में सिंध जो तालीमी मयार है वो पहरे नंबर से होंद गैर मयारी हवा से। वही मेहरबानी सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब असें वक्त दियण के लिए नजरी नवा सेनेटर ज्ञानचंद आफ्ताब जहांगीर साहब जो गाल बुदूँ। PTI पंहिंजे मेंबरनि खे ख़ासि हिदायत कई आहे त सिंध जी पीपल्स पार्टी जी 12 सालनि जी हुकूमत में का हुनजी बेड गवर्नेंस रही आहे, करप्शन रही आहे, इदारनि में का लुटमार रही आहे,
उन में अवामी मुहिम हलई वे इतने वा नी साई साई का प्रोग्राम में बीहर हाजिर नजरी प्रोग्राम में एक दफो बीहर वहाँ के भली का सिंध के बेटन से 3 सेप्टेंबर से सदारती आर्डिनेंस जारी किया वो पाकिस्तान आयरलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम कई वही हिंसर उन सदारती आर्डिनेंस जो मुद्दों पूरा थी वो है इन तमाम तरह अरसे में वफाकी हुकूमत उन सदारती आर्डिनेंस के न कौमी असेंबली में पेश कर सी ना ही वरी सेनेट की सेनेट में पेश कर सी इन वक्त अगर जैसे उन मुद्दो पूरा थी चुको है तो सदारती आर्डिनेंस की कानूनी हैसियत है अगर उनकी कानूनी हैसियत इन वक्त का भी ना रही तो इन ही सब्जेक्ट से इन ही उनवान से बीहर सदारती आर्डिनेंस पेश कर सकते तो सदारती आर्डिनेंस जारी कर सकते तो इन वो प्रोग्राम कदी इन वक्त प्रोग्राम में जॉइन किया है मुल्क के नाले वे कानूनदान तजिया निगार जनाब शुआब ओस्तो साहब। शुआब साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुआब साहब सबका पे तो बुझाजो तो इन वक्त सदारती आर्डिनेंस जो मुद्दों जो वो पूरा चुको है हाँ आइनी पोजिशन कड़ी है इन आर्डिनेंस की हाणे आइनी पोजिशन इहा आहे त जेकॾहिं हुकूमत चाहे त हिकु दफ़ो ॿीहर वरी ऑर्डिनेंस नाफ़िज़ करे सघे थी। अच्छा ऐं हा पर जेकॾहिं इन विच में नेशनल असेंबली या सेनेट में इन ऑर्डिनेंस जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं को क़रारदाद पास थिए थी जी त इहो ऑर्डिनेंस ख़तमु थी वेंदो। अच्छा सो इन जे करे जी 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 शुआब साहब इन जे करे इहो तमामु ज़रूरी आहे त जेका असांजी सिंध हुकूमत आहे उहा पंहिंजूं अखियूं खोले ऐं सिर्फ़ ज़बान खां कमु न वठे जेको इहो ज़बानी कलामी जेको मरसू मरसू सिंध न ॾेसूं इहो मां सम्झां थो घणो थी वियो हाणे अमली तौर ते करे ॾेखारनि छाकाणि त वञी 2 महीना बचा आहिनि जी जी ऐं सेनेट जी इलेक्शन्स में ज़ाहिर आहे हिननि जी मेजोरिटी अञा आहे जेकॾहिं हे चाहिनि त हुन मेजोरिटी खे इस्तेमालु करे सघनि था सो हे जेकॾहिं हाणे हिननि मेजोरिटी इस्तेमालु न कई त पोइ हाणे ख़बर न आहे सेनेट जी इलेक्शन खां पोइ सूरत छा थींदी वञे। ठीकु आहे। अच्छा शुआब साहब हिन वक़्तु जॾहिं सदारती आर्डिनेंस जो मुदो ख़तमु थी चुको आहे ऐं चओ पिया त हिन वक़्तु हुनजी आइनी पोज़ीशन नाहे त छा हाणे इहो मञी वठिजे त सदारती आर्डिनेंस जे ज़रिए जेको आहे जेके ॿेट हुया उहे वफ़ाक़ी हुकूमत जी मिल्कियत थी विया हा सदारती मुंहिंजो सवाल अगरि तव्हां प्लीज़ अगरि मुंहिंजो सवाल ॿुधी वठो हिन वक़्तु सदारती आर्डिनेंस ख़तमु थी चुको आहे हिन वक़्तु मुकमल गिरफ़्त सिंध हुकूमत जी आहे न पहिरियां त कोर्ट में मामिलो हुयो मां पाण मुंहिंजे प्रोग्राम में चयो त हुन जेका आर्डिनेंस खां पोइ सिंध हाई कोर्ट जी बि हुते जेको आहे उहो लागू नथो थी सघे त हिन वक़्तु सिंध पहिरों बि इन ते हाकमियत इन ते जेको जेका मिल्कियत हुई उहा सिंध जी हुई हाणे बि सिंध जी आहे। हुननि ऑर्डिनेंस जॾहिं जारी कयो त ऑर्डिनेंस जे दौरान हुननि जो ख़्यालु इहो हुयो त बसि हाणे ऑर्डिनेंस खां पोइ इहो इहे ॿेट जेके आहिनि या इहा पूरी सामूंडी पटी जेका हाणे असांजी थी वई ठीकु उहा ॻाल्हि अञा कोन बीह सघी छाकाणि त असां कोर्ट में बि आहियूं कोर्ट में अञा ताईं असांजो केस पयल आहे उहो ख़तमु कोन थियो छाकाणि त असां कोर्ट खे हाणे इहो चवंदासीं त असांखे को एतबार कोन्हे त हे असां केस जेकॾहिं कढूं था त हे वरी जेको आहे सो ऑर्डिनेंस जारी करे सघनि था छो त हिकु दफ़ो ऑर्डिनेंस जारी करण जो हिननि खे अञा अख़्तियार आहे। अच्छा इन जे करे असां इहो केस न कढंदासीं हाली सो बाक़ी इहो आहे त जेकॾहिं हुकूमत चाहे त ॿीहर ऑर्डिनेंस जारी करे सघे थी बशर्ते के जेका सिंध जी हुकूमत आहे उहा जेकॾहिं अखियूं पटे ऐं वाकई जेकॾहिं मुख़लिस आहे वाकई जेकॾहिं उहो सिंध जे ज़मीन जो दिफ़ा करणु चाहिनि था ऐं ग़रीब जेके 25 लख जेके ख़ानदान आहिनि माहीगिरनि जा उन्हनि जो दिफ़ा करणु चाहिनि था ऐं सिंध जे तारीख़ी ऐं जेको उनजो हक़ आहे जेको उनजो इन ते क्लेम आहे उनखे जेकॾहिं उहो मञनि था त पोइ फौरी तौर ते PDM में जेके बि जमातूं मौजूदु आहिनि जेकॾहिं उहे सभु गॾु थींदियूं त सेनेट में वफ़ाक़ी हुकूमत आख़िर छा था सम्झो त वफ़ाक़ी हुकूमत छो पेश न करे सघी आहे सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में ऑर्डिनेंस खे पेश छो न करे सघी हिन जे करे वफ़ाक़ी हुकूमत जे लाइ था पुछो जी 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 उहो हिन जे करे नेशनल असेंबली में त हुननि जी अक्सरियत आहे जी पर जेकॾहिं उहो पहिरीं ॻाल्हि त आइन जी तरमीम जेका हिनखे करणी पवंदी जेकॾहिं हिननि खे इहे ॿेट वाकई वफ़ाक खे ॾियणा आहिनि त पोइ हिनखे आइन में बि तरमीम करणी पवंदी आइन में बि तरमीम करण लाइ तमामु सख़्तु कानून आहे जी हिननि खे जेकॾहिं नेशनल असेंबली ऐं सेनेट में बि जेकॾहिं
टू थर्ड मेजॉरिटी मिली थी वे तद भी इन सिंध असेंबली का वरी टू थर्ड मेजॉरिटी वठणी आ तद वही वो जो आइन में तरमीम अची सके थी सिंध की जो बॉर्डर है या सिंध की जो बाउंड्रीज हैं उनके चेंज कर सकन था जी। तो जे करे जे कदे हो कानून पास करने ला बिल पेश कंदा भी तो वो बिल नामुमकिन आ पास थियण छकण त न त इन्हनि जी नेशनल असेंबली में टू थर्ड मेजॉरिटी आ न सेनेट में आ सही। जे करे यो जेको कुछ भी इन वक्त ताई हो ये मन मस्तियू कंदा रहया हैं वो सिर्फ इन जे करे जो असांजी सूबाई हुकूमत पहिरों त बिल्कुल उन्हनि सां शामिल हुई पर जॾहिं असां हाय घोड़ा कई से सब निकरी आयासीं ॿाहिरि त पोइ हिननि उहो जेको हिननि जो पुराणो तरीक़ो आहे पीपुल्स पार्टी हुकूमत जो त हिकदमि पोइ वरी पंहिंजो ॿियो रुख ॾेखारींदा आहिनि पोइ वरी क़ौम परस्त थी वेंदा आहिनि। सो उहो क़ौम परस्ती जो हुननि मुज़ारो एतिरो कयो सिर्फ़ त जे हिननि सिंध असेंबली में हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन पास कयो जंहिंजी का कानूनी आइनी हैसियत कोन्हे सिर्फ़ असांखे ख़ामोश करण लाइ ऐं असांजे जेके हिन जा पीपुल्स आहिनि उन्हनि खे कुझु चवण लाइ उहो ॾिनऊं बाक़ी हिननि कुझु बि कोन कयो आहे। हाणे बि असांखे तफ़्तीशा ॾाढी तमामु घणी थियो फेडरल गवर्नमेंट ॿियनि मुल्कनि जे मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि सां एग्रीमेंट थी कंदी वठे ऐं बिलियन ऑफ डॉलर जा जेको आहे उनमें एग्रीमेंट्स था थियनि ऐं पोइ उन्हनि खे बहानो मिली वेंदो अथई असां एग्रीमेंट करे छॾिया आहिनि जेको प्रोविंशियल हुकूमत त कोई एतिरा बि न कयो आहे जी बिल्कुलु। अच्छा अमली तौर ते हिननि कुझु बि न कयो आहे। जॾहिं ॿीहर जेको ऑर्डिनेंस ईंदो त उहो केतिरनि ॾींहंनि में अची सघे थो उन हवाले सां थोरो असांखे ॿुधाए। उहो त हाणे हिननि जी मर्ज़ी आहे जेकॾहिं चाहिनि त फौरी तौर ते ॿीहर नाफ़िज़ करे सघनि था। अच्छा उनमें को विच में गैप हिननि जी मर्ज़ी आहे जेकॾहिं चाहिनि त जल्दी करे सघनि था जी ॿीहर जेको आहे हिननि खे करण लाइ को टाइम जी बंदिश कोन्हे। अच्छा साॻे सब्जेक्ट ते कहिड़े बि टाइम जेको आहे उहो सदारती ऑर्डिनेंस लागू थी सघे थो। ॿ दफ़ा करे सघनि था टियों दफ़ो नथा करे सघनि। अच्छा ॿ दफ़ा थी ऐं ॿिए जॾहिं ॿियो दफ़ो ऑर्डिनेंस ईंदो उनजी बि मुदत इहा ई हूंदी चार महीना हूंदी चइनि महीननि में उनखे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में पेश कयो वेंदो पेश कयो लाज़मी। शॉप साहब अवां असां सां गॾु ई रहिजो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे सरबराह जनाब डॉक्टर क़ादिर मक्सी साहब। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। महिरबानी साईं। अच्छा डॉक्टर साहब हींअर सदारती ऑर्डिनेंस जो मुदो पूरो थी चुको आहे। शाह ओस्तो साहब चवे थो त उनखे लॻे थो पियो त हू हिकु दफ़ो ॿीहर ऑर्डिनेंस आणींदा छाकाणि त मार्च खां पोइ जेका सेनेट में पी टी आई जी अक्सरियत थी वेंदी ऐं पीपल्स पार्टी बकौल शाह साहब जे त हुन सां गठजोड़ में आहे। इन तमामु तरवार में अवां कीअं था ॾिसो अव्हांजी छा पोज़ीशन बीहंदी? छा हाणे असांखे ख़ामोश थी विहणो पवंदो या असांजी स्ट्रगल जेका आहे उहा जारी उसारी रहंदी? ॾिसो मामिलो इहो आहे त एतिरो इन ॻाल्हि खे मामूली ऐं सादो न सम्झो वञे। जॾहिं वफ़ाकी हुकूमत एतिरी सॼी ख़्वारी गिला पंहिंजे सिर ते खणी हेॾे माण्हुनि जो कावड़ ऐं गुसो ऐं रदे अमल सभु कुझु सिर ते खणी उहो हिकिड़ो ग़लति कमु करणु वञे पई, ग़ैर आइनी कमु करणु वञे पई। हुननि खे ख़बर आहे त उहो आइन खां मावराए आइन कमु कनि पिया ऐं हिकिड़े सूबे जी मिल्कियत ते हिकिड़ी वफ़ाकी अथॉरिटी ठाहे हुन ते कब्ज़े करण जो जेको इंतज़ाम कयो पियो वञे इहो हर सूरत में ग़ैर आइनी आहे। त हू जॾहिं इन सित ते वञण लाइ तयारु आहिनि त पोइ हुननि लाइ इहो को मसलो कोन्हे त हू ॿिए दफ़ा हिन ऑर्डिनेंस खे वापसि नए सिरे सां लागू न कनि या अञा नई जेका बि का नोक झोक रहिजी वई हुजे हुनखे दुरुस्त करे पंहिंजे आइनी माहिर विहारे वरी उनखे नए सिरे सां लागू कनि। त असीं सिंधी माण्हू हर ॻाल्हि में ॾाढा तकिड़ा हूंदा आहियूं। मां थोरो ई फेसबुक खे ॾिठो त मुबारकुनि जा धूड़िया थी विया आहिनि जीअं असां खां वॾी हिकिड़ी दाइमी जंग खटे वरिती आहे। इहे नंढियूं नंढियूं फतवात कामयाबियूं नाकामियूं इहो सॼो जदोजहद जो तसलसुल आहे। इन करे कंहिं बि सूरत में सिंध जा सियासी कारकुन या सोशल एक्टिविस्ट या शुआब उस्ताद साहब जहिड़ा जेके कानूनी माहिर आहिनि उन्हनि खे कंहिं बि सूरत में इन ॻाल्हि ते एतमिनान न थियणु खपे त सिंध हुकूमत जे फिलफोर इहो जारी न कयो आहे त हू को महीने खां पोइ पंद्रहनि ॾींहनि खां पोइ नथा करे सघनि। छो जो जीअं उस्ते साहब तव्हांखे ॿुधायो त हू वेट कनि पिया हींअर जेकॾहिं हू असेंबली में क़ौमी असेंबली में बिल खणी वेंदा त दॿड़ दोस सां थी सघे थो त उते हू पास करे वठनि। पर जॾहिं सेनेट में वेंदा त सेनेट में अपोज़िशन तमामु अपरहिन में आहे अक्सरत में आहे ऐं हींअर सॼी सूरत हाल बि चार्ज आहे। त इन करे जेके अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि बलोचिस्तान पश्तूनख्वा सिंध जूं उहे सभु जो सभु इन्हनि जे ख़िलाफ़ु बीहंदियूं। इन करे उते कानून न ठाहे सघंदा त हाणे ई इंतज़ारु ईअं कंदा महीनो सवा जीअं
महीने का ऑर्डिनेंस जारी कन था उन मार्च में इलेक्शन एक्सपेक्टेड एंड फेब्रुवरी टू मार्च उत्ते अक्सर वी वा कौमी असेंबली में तो हूं ही जबरदस्त कौमी सेनेट में उनकी अक्सरत अची वी आराम से बिल आणींदा वही उसे राग डाइंदा तो इनके करे सिंध हुकूमत जो वरी भी बिल्कुल बुनियादी किरदार है जो अस चवंदा रहा हूं सब कानूनी माहिर भी चवन था तो इन सूरत हाल में सिंध हुकूमत जो सिंध असेंबली के जरिए एक्ट आने इनके बाकायदे सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ जदें भी जारी वरी किया वे तो उन वक्त वो एक्ट आणन उनके रिपेल करण के लिए जो भी उन्हें आइनी इख्तियार है उन भरपूर इस्तेमाल कन बलूचिस्तान असेंबली करारदा दिनी है पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी नवाज लीग गजी उते करारदाद आने की कोशिश कन अड़े तरीके से हिंसर ही सेनेट में टी तारीख शायद सवाल जवाब जो टाइम हो तो ये सिंपल तकीर थे पर कोई एडो फैसला कुन मरलो को आयो इन सजे मसले से तो इन कर सिंध के मानून के चवंदी सियासी सिंध की सियासी पार्टी के चवंदी तो तव खबरदार रहो पैं मानन के जागाइंदा रहो इन गाल पे चार्ज रखो छो जो ये वड़ी खतरनाक खतरनाक बे साजिशों एको यो तो पाकिस्तान छण का जोग्राफिकल तकसीम थे पी सिंध की कौमी वहद की मादरे वतन की जोग्राफिकल तकसीम थे पी बो अड़ा जे भी खून खवा डेवलपमेंट जो मनसूबान जे स्पेशली हाउसिंग तमीरा जो मनसूबान उनमें गैर सिंधियों की आबादकारी थी सिंधी अकलियत में तब्दील थी सिंधियों जो राइट टू रूल जो वतन था है वो हमेशा खत्म थी वो ठीक है ये बई शूं एडियो खतरनाक जैसे असा स्लिप थी वही एक दफा तो असा मोटाइन दुख हों ठीक है शोब उसो साहब सदारती ऑर्डिनेंस के सामू रखी है कि वफाकी हुकूमत मुआदा कह हा गैर मुल्की कंपनियों से हाँ उन मुआदन की कानूनी हैसियत कड़ी रही ॾिसो मुआहिदनि जो इन ऑर्डिनेंस सां को वास्तो कोन्हे बिल्कुल सही मुआहिदा जेके आहिनि उहे ॿिनि पार्टियुनि जे विच में थींदा आहिनि इहा हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत जी ज़िमेदारी हूंदी आहिनि मुआहिदनि जे मुताबिक़ त उहो उन्हनि जी जेको आहे सो हिते इम्प्लीमेंटेशन करण में उन्हनि कंपनियुनि खे हेल्प ॾियनि उन्हनि कंपनियुनि खे उन्हनि जेको बि उहो मुआहिदो थियो आहे जंहिंमें उन्हनि खे उहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करण लाइ या जेको बि उहे टर्म्स एंड कंडीशन मुआहिदा आहिनि पब्लिक न कया आहिनि पर जेको बि हुननि कयो आहे त उनमें हाणे फेडरल गवर्नमेंट ऐं इहा ई चालाकी आहे हिननि जी अच्छा हाणे हे थर्ड पार्टी चइबो आहे थर्ड पार्टी इंट्रेस्ट जॾहिं हे थर्ड पार्टी इंट्रेस्ट क्रिएट कंदा त पोइ जीअं तव्हां रिसेंटली ॾिठो त यूके में मुख़्तलिफ़ दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में हिननि खे रिको डिक ऐं ॿियनि कॉन्ट्रेक्ट्स ते बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करणा पिया जॾहिं हे उतां फिरी विया कॉन्ट्रेक्ट उहे इम्प्लीमेंट न थिया हे उहा ई बाद में ॻाल्हि कंदा हिकिड़ो मजमूई तौर ते मुल्क में हिकिड़ो इहो रायामा ठाहिण जी कोशिशि कंदा त साईं ॾिसो असां त बिलियन ऑफ डॉलर जा जेको आहे उन ते एग्रीमेंट करे छॾिया आहिनि हाणे जेकॾहिं असां हिन खां फिरंदासीं त मुल्क खे त जेको आहे सो मिलियन ऑफ डॉलर जो नुक़सान थींदो उन में असांखे ॾंड भरणा पवंदा तंहिंजे करे असांखे तव्हां छॾियो त असां इहो डेवलप कयूं ऐं इन में जेका मुजरमाना ख़ामोशी आहे उहा पीपुल्स पार्टी हुकूमत जी आहे मां पहिरें ॾींहं खां रणी थो कयां मां हाणे बि चवां थो त हे ॼाणी ॿुधी अहिड़ी सिचुएशन क्रिएट करण में फेडरल गवर्नमेंट जी हेल्प था कनि त जीअं बाद में हिकिड़ी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अची वञे ऐं पोइ इहो सभई चवनि था हाणे मजबूरी आहे छा कजे त मुल्क जे लाइ मुफ़ाद में न आहे तंहिंजे करे असांखे मजबूरनि इहे भेट ॾियणा पवंदा सो जेसिताईं इन में मुंहिंजो जेको हमेशह हिकिड़ो आजदाना जेका रिक्वेस्ट रही आहे त असांजा जेके घण घुरिया आहिनि सिंध जा जी उन्हनि खे पाण में मुतहद थियणो पवंदो ऐं मां हिकिड़ी ॿी बि तजवीज़ रखंदुसि जी जी असांजा जेके हितां जा जेके नेशनलिस्ट आहिनि उहे बलोचिस्तान जी नेशनलिस्ट पार्टियुनि सां राब्तो कनि त जेका मुल्क सतह जेका तहरीक जेका आहे उहा मुतफ़िक़ आहे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ठहणु घुरिजे बिल्कुलु तॾहिं वञी मामिलो इहो मथे ताईं पुॼंदो मुश्किल थींदो ॾाढो बिल्कुलु बिल्कुलु शुआब साहबु डॉक्टर क़ादिर मक्सी साहबु अवां असां सां गॾु ई रहिजो हिते वठूं था नंढी साईं साईं खां पोइ वरी जेको शुआब वसो साहबु इहो सुवालु उथारियो आहे त का गॾियल तहरीक हलाइणु घुरिजे जंहिंमें बलोचिस्तान ऐं सिंध जा कोमपरस थिया कनि त ॿेट बलोचिस्तान में बि आहिनि सिंध में साॻाई ॿेट जिन ते पीडायक आहे उहा क़ाइमु कई वई हिन सां का गॾियल तहरीक जो केतिरो इम्कानु आहे वठो था नंढी साईं साईं खां पोइ वरी प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदुसि
नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो बीहर अवे भलीकार वक्फे का अग में असा गाल सदारती आर्डिनेंस के हवाले से सदारती आर्डिनेंस जो सिंध के बेटन से कायम किया हाँ उन मुद्दों पूरा चुको है कानूनी माहिर जो चवण है खासकर शुआब ओस्तो साहब जो कानूनी नुक्ते नजर आए तो सिंध हुकूमत के इन हवाले से हाँ एक्ट जो वो सिंध असेंबली में पास कराने घुर्जे सिंध की मिल्कियत है एक्ट जेस तक पास नो तो थी सके तो सदारती आर्डिनेंस एक दफो बीहर वफाकी हुकूमत जारी करे इन वक्त असें प्रोग्राम में जॉइन किया है सूबाई वजीर जनाब नवाब तैमूर टालपुर साहब। नवाब साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा नवाब साहब जो असा कानूनी माहिर उन चवना है सदारती आर्डिनेंस इन वक्त तक मुद्दों खत्म चुको है थी सके तो एक बो सदारती आर्डिनेंस अचे उन बावजूद भी सिंध हुकूमत के सिंधी असेंबली में हर सूरत एक्ट जो वो पास कराना पवो करारदाद से कम न हल्द। मशवरों मक्सी साहब दिनों आए उसके साथ दिनों आ माँ उन्हें साथ काफी हद तक एग्री किया तो हालांकि माँ समझा तो एडी वडी चुमाट लगने था पो बाकी हम हुकूमत के बबेरा सोचने पंदो जितनी उन्हें आवाम था गाड़ियों खादी उन्हें उन्हें था पो सोचने का जरूर थे एडो को कारो कानून जैसे तू हो चाइना हो जब तो सिंध जे बेटन थे या सिंध जी के प्रॉपर्टी थे को कब्जो कर तो माँ समझा तो यो इंदो कौन पर बिल्कुल इन्हें में को हर्ज ना है सुठी गाल थिंदी जी असा के यो एक्ट आड़ खपे सुबह जो असा जी कैबिनेट मीटिंग आए सिंध काबीना जी माँ समझा तो यो इशू माँ उते एक्स्ट्रा एजेंडा में आने उनते डिस्कशन बकंदम एड़ो का भी घिटी न छड़ी वे छो तो हाँ असा के समझ में अची सब सामू आ तो वफाकी हमद की नीयत में खलल आ चाहे वो 18th अमेंडमेंट की सूरत में हुए चाहे वो सिंध के बेटन की सूरत में हुए या वो सिंध के फाइनेंशियल इशूज के बारे में हुए हर शे बदनीयति से कारी अख रखी वेठा तो असा के हर शे ला प्रिपेयर थे खपे उन्हें का पहले वरी यो को ड्रामो कन वरी को नयो कानो कारो आन उन्हें का पहले दे आर राइट वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। पर नवाब साहब इन वक्त ताई चार महीना थी चुका है अवा सिंध हुकूमत अखर में बार बार लेट छो पे करे आर्डिनेंस आने के लिए अवा भी चो पाया एक्ट आन घुर्जे बया भी सूबाई वजीर जो अस प्रोग्राम में इंदा वे भी चवन आन घुर्जे आन में आखिर मसलो कड़ो है अस अलग अलग राय हलू पे जी लॉ से रिलेटेड हुई कुछ चन पो कानून जो अस कंप्लीटली सुठे नमूने वे हाउस में सेनेट में खी अचूँ उनते अमल दरामद करायूँ आए कुछ दोस्तों जो चवण आज अवा सा गाल थी यो एक्ट अस पा इत ही खड़ी अचूँ इन में थोड़ी देर लगी पर तिठो जी यह शे सामू आई सिंध हुकूमत पूरे जोर शोर से इनके अपोज कयो कानूनी पॉइंट के हिसाब से भी वर्बल पॉइंट के हिसाब से भी पॉलिटिकल पॉइंट से भी रुगो फेस न किया पर इन सब घिटू सब रस्ता अस बंद कर छा यो एक रस्त जो खुल तो यो समझा तो असें बंद कर इन में देर न कर। अवां चो पाया तो सुभाणे को सुभाणे सूबाई कैबिनेट जो इजलास हों या एजेंडा उनमें जरूर शामिल कर सदारती आर्डिनेंस का पैरियां जो एक्ट है सिंध सिंध असेंबली में एक्ट जो मंजूर कर डॉक्टर कादिर मक्सी साहब शुआब ओस्तो साहब जो वक्फे खा अग में एक सवाल उथारियों हो तो हाँ तो गडियल मामलो है और सिंधी के कौम परस्त अना वंदन के बलोच कौम परस्त केपीके कौम परस्त उन गजी का एक तहरीक हलान घुर्जे तो जी का मुस्बत नतीजा निकली सकन छाने कोई इम्कान है। बिल्कुल सही मसलो यो तो बलोच अग में ग्वादर के मसले से चार्ज आन तमाम घनी मजामत कंदा रहा उन्होंने इलाही सारा उत मसला भी पैदा थियन उन नौजवान मिसिंग थी वन काफी शहीद भी थी वन हाँ तिठो तो जी गुजल एपी पाल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई उनमें डॉक्टर मालिक बलोच जैसे तो एक्स चीफ मिनिस्टर रो सिंध जो बलोचिस्तान जो उन बुधा पे तो अस ग्वादर शहर के मुकम्मल बाब फेंसिंग कन पी जार हणी शहर के बिल्कुल मान आम मकामी मानून के लिए जो ओपरो ठाण ला सजे जो सजे शहर के तारू हणी बंद कर उन हवाले से बलोचिस्तान के अंदर शौरी तर मजामती तर तमाम घणो अगते हैं पर उन मुश्किल यह है तो वो पॉपुलेशन वाइज तमाम नंढा थोड़ी कौम नंढी कौम है स्केटर्ड है मुख्तलिफ बलोचिस्तान जरई रुकबो तमाम वो मू थोड़ा इन जेतरी फिजिकल मजामत थी आने हक में नतीजा कान पी दे पर असा वट सिंध में जो मजमू तो रो है
ग्वादर पोर्ट एडो अञा ताईं एक्टिव ना आहे। असांजो सॼो जो सॼो पाकिस्तान जो वणिज वापारु कराची पोर्टनि जे ज़रिए थिए थो, पोर्ट कासम हुजे या कराची पोर्ट हुजे, त हीअ कराची खां नेशनल हाईवे सॼो जेको आहे सॼे मुल्क जी शहर जेका आहे उहा सिंध जे हथ में आहे। त इहा ई सम्झ ही हुकुमराननि खे सम्झणु खपे त अञा त माण्हू एहतियातनि सियासी मुज़ाहिरा रैलियूं धरना इन क़िस्म जो कॉन्फ्रेंसूं वग़ैरह करे हिकिड़ो ओपिनियन मेकिंग कनि पिया या माइंड मेकअप कनि पिया क़ौम जो ऐं माण्हुनि जो। पर जेकॾहिं सुभाणे सॼी क़ौम घरनि खां निकिरी रोडनि रस्ते ते अची वेंदी त पोइ हिन सॼे पाकिस्तान कोलेप्स थी किरी पवंदो, क्रिपल सूरत हाल पैदा थी वेंदी। इन करे असांजी ख़्वाहिश इहा आहे त हिन जदोजहद में न रुगो असां हुजूं, बलोचन जो त ख़ुदि इशू आहे छो जो बलोचन जी ज़मीन ख़ुदि तक़सीम थिए पई ऐं पीडा जेका हिननि ऑर्डिनेंस जारी कयो उन में सिंध ऐं बलोचिस्तान जे ॿेटनि जो गॾियल ज़िक्र आहे। इन जे करे ई असांखे वॾो एतिराज़ु हो न त भई तव्हां जेकॾहिं सिंध जा ॿेट रुगो खणी तव्हां डेवलप कयो था पोइ रुगो डेवलपमेंट जो इशू ईंदो, पर सिंध जा ॿेट ऐं बलोचिस्तान जा ॿेट मिलाए हिननि ॿिन्ही ॿेटनि खे जॾहिं गॾे तव्हां हिकिड़ी नई अथॉरिटी ठाहियो पिया त इन जो मक़सदु आहे त इहो तव्हां मुल्क में हिकिड़ो जेको सो इंतज़ामी नओं यूनिट ठाहियो पिया। ठीकु आहे, इन जे करे असांजा एतिराज़ात तो हुआ उन ते ऐं उन ते आहिनि बि सही, पर असांजी ख़्वाहिश आहे त हिन जदोजहद में न रुगो सिंधी बलोचन जी गॾियल मूवमेंट हुजे पर पश्तून बहसियत महकूम क़ौम जे ऐं पंजाब में जेका ई पॉपुलर अपोज़िशन जी हींअर एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ़ या इमरान सरकार मुखालिफ़ जेका तहरीक आहे उन तहरीक जी मुकमल मॉरल सपोर्ट सां बीहे त जीअं असां सिंधियुनि खे कामयाबी यकीनी थी। जी बिल्कुलु, ऐं शाह वस्तु साहिबु, हे जेका ॻाल्हि पियो करे नवाब तैमूर टालपुर साहिबु, त असांजो ख़्यालु हो त जॾहिं सेनेट मां इहो रद्द थी वेंदो त पोइ एक्ट ठाहिण जी ज़रूरत न पवंदी, इनखे कीअं था ॾिसो? इनिशिएटिव वठिजे आहे ऐं इन जे दौरान जॾहिं इहो ऑर्डिनेंस इन फील्ड हुयो, जेकॾहिं उन जे दौरान सेनेट मां रेज़ोल्यूशन पास थिए आहे त इहो ऑर्डिनेंस ख़तमु थी वञे आहे। अच्छा। इहो ई रस्तो हुयो। अच्छा। इहो ई रस्तो हुयो जेकॾहिं उन वक़्तु, छाकाणि त मूंखे जेसि ताईं ॼाण आहे त शायदि पीपल्स पार्टी उते पंहिंजो इहो टेबल बि कयो हुयो बिल, बिल्कुलु उन खां पोइ छो न उनखे वधीक परसू कयो वियो, जॾहिं त पीडीएम जा जेके आहिनि कंपोज़िट पार्टीज़ उहे सभई उते वेठियूं आहिनि ऐं सभई इन ॻाल्हि ते मां सम्झां थो मौलाना फज़ल रहमान खां वठी सभिनी जो हिन ते इतफ़ाक़ आहे त इहो ग़लति आहे, त इनखे इन इनिशिएटिव खे जेको आहे सो अॻिते करणु घुरिबो हुयो। मूंखे न ख़बर छो न थियो आहे, पर हाणे जेकॾहिं ॿीहर अचे थो पंहिंजो पूरो इम्कानु आहे छो त इनजे करे मां चवां थो जो हिननि एग्रीमेंट्स करणु शुरू करे छॾिया आहिनि, जेकर हे ऑर्डिनेंस ज़रूरु आणींदा ऑर्डिनेंस अचे थो त उनजी तयारी थियणु घुरिजे हाणे खां वठी, बिल्कुलु मुतफ़िका तौर ते सभिनी जो पाण में इतफ़ाक़ थियणु घुरिजे हाणे ई, जेको आहे पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव वठे, बिल्कुलु जेके बि पार्टीज़ आहिनि जिन जे उते सीट्स आहिनि सेनेट में, ठीकु आहे, उन्हनि सभिनी सां हिकिड़ो राय मां ठाहे छॾे त जीअं गवर्नमेंट खे ख़बर हुजे जेकॾहिं आणींदासीं ऑर्डिनेंस ठीकु इनजे ख़िलाफ़ फौरन सेनेट में। तयारी हाणे खां ई हुजणु घुरिजे, कहिड़े क़िस्म जी तयारी आहे? जवाज़ नथो रहे, पहिरीं एॾो बुछड़ा बुछड़ी ठही आहे फेडरल गवर्नमेंट, वरी शायदि बुछड़ो न थियणु चाहींदी, पर हिन जो को भरोसो कोन्हे। इन करे असांखे हिननि लाइ प्रिपेयर थियणु खपे, हे कुझु बि केॾी महिल बि करे सघनि था छो त इहे यू टर्न सरकार आहे, इहे कम उबता सिधा पहिरीं थी करे पोइ सोचे सही त असां कयो छा आहे, जंहिंजे करे मशहूर घणी थी वई आहे, मशहूर ज़माना थी वई आहे। सो इन करे मां चयो त सुभाणे इन शइ खे इनशाला मां, छो त असां वटि हूंदो आहे इहो ऑप्शन त को बि कैबिनेट मेंबर सीएम साहब जी इजाज़त सां को एडिशनल आइटम आणे सघे थो, बिल्कुलु छो त इहो इशू आहे त मूंखे पक आहे सुभाणे असांखे टाइम मिलंदो इहो एक्स्ट्रा एडिशनल आइटम आण जो ऐं उनमें असां इहो फ़ैसिलो करे तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾींदासीं त असां हितां बि हिननि जो रस्तो बंदि असांखे असांखे ख़ुशख़बरी जो इंतज़ारु रहंदो। वॾी महिरबानी
नवाब तैमूर टालपुर साहब, शोहाब ओस्तो साहब, डॉक्टर कादिर मक्सी साहब अव टिन मौजूद शख्सियत अस वक्त दिनों नाजरीन अव टिन मौजूद शख्सियत गालू बुध पीपल्स पार्टी के मुख्य बुधो कौम परस्तन के मुख्य बुधो ए एन आर डी के हवाले से कानूनी नुक्ते नजर एक शोहाब ओस्तो साहब पेश किया। शोहाब ओस्तो साहब जो यो चवण है तो एक दफो बीहर सदारती आर्डिनेंस वफाकी हुकूमत पेश करे तो उनके इंतजार है मार्च में सेनेट के चूंड जो सेनेट में जो उनकी अक्सरियत थी तो उनके आसानी थी कौमी सूबाई असेंबली में उन आर्डिनेंस के पास कराने के लिए डूँ था तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उनते कड़ो किरदार थी अदा करें। इतने प्रोग्राम के वक्त पुजाणी तो पहुंचे तो असद मुमताज रेट के ईंदा इजाजत अल्लाह भाई।